हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप प्रेफरेंस फॉर्म का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आपने सोच भी लिए होंगे क्या क्या डिपार्टमेंट्स आपको भरने हैं और आप कौन से डिपार्टमेंट पे अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। फिलहाल जो सबसे हॉट डिपार्टमेंट निकल के आता है वो इनकम टैक्स, जिसको CBDT भी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनका अपना लोकल नाम होता है इनकम टैक्स, ठीक है। इसमें 1000 के अराउंड आपके पास पोस्ट आने वाली हैं। ये अपने आप को एक ऐसे बहुत ज़्यादा पोस्ट होने की वजह से खुद को एक हॉट टॉपिक बनाता है और बहुत सारे बच्चे इनकम टैक्स में जाना पसंद करते हैं और उनको इनकम टैक्स चाहिए होती है। उससे पहले CBDT के फ़ायदे नुकसान सभी कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वर्क कैसा रहेगा आपका, उसमें सैलरी आपको क्या कुछ मिलने वाली है स्टार्टिंग में, प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं और क्या लाइफ स्टाइल रहती है वहाँ की, ठीक है। और उनमें प्रमोशन आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इनकम टैक्स में स्टेनो वाले लोग इंस्पेक्टर बन जाते हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है और कैसे बनते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्या पता आप इसी डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले हो। भाई बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं जिनके थोड़े भी ठीक ठाक मार्क्स हैं, इतनी है इसकी कट ऑफ कम रहने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक एक चीज़ लास्ट तक क्लियर हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जाके चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो मिनिस्ट्री ऑफ SSC को जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। और आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये इसी चीज़ से ही शो होता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं या जो भी चीज़ें। प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में ऐसे लिख दी हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये अपना 2012 वाला जो SSC का है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT जो मैंने बता दिया। इसमें 950 प्लस ही पोस्टें आने वाली हैं, जितना भी RTI वगैरह इन सब से हमें पता चल रहा है फ़िलहाल तक। सबसे पहले हम इनकी सैलरी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सैलरी की हमें जहाँ तक बात आती है तो देखो, सैलरी इसमें 2400 ग्रेड पे रहता है अपना CBDT में। एक तो डी ग्रेड की पोस्ट होती हैं, स्टेनो डी की, सी वाली पोस्ट नहीं होती हैं, होती होंगी मोस्टली जगह डी की ही पोस्ट होती हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा होता है 2400 पे ग्रेड। जो लोग CGL के बारे में जानते होंगे, CGL में जैसे एक TA लगते हैं, टैक्स असिस्टेंट, उनको भी 2400 पे ग्रेड मिलता है, जो इंस्पेक्टर से नीचे वाली पोस्ट होती है। ये एक अच्छा पे ग्रेड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अपना TA वगैरह हो गया या हाउस रेंट वगैरह जो मिलता है, DA, ये सब मिल मुला के जो आपके खाते में फाइनल जो पैसा आता है, जिसको हम एक सैलरी बोलते हैं। आप ज़्यादा झमेले में पड़ो ही मत, आपके लिए काम की ये बात है। आपको 42,000 से 45,000 के अराउंड स्टार्टिंग में सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। ये बहुत ही एक अच्छी, एक डिसेंट स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा अमाउंट है। सैलरी की तरफ से इस डिपार्टमेंट को हम ओके, बहुत ही बढ़िया है। और सबसे पहले तो इसका नाम ही बहुत बड़ा है यार, इनकम टैक्स सुनने में बहुत ही कूल लगता है। दूसरी हम बात करते हैं वर्क की, वर्क क्या रहता है स्टेनो में। वर्क का जब आप स्टार्टिंग में लगेंगे, वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे इनकम टैक्स में, या कहीं भी जाओ इतना वर्कलोड नहीं होता स्टेनो के ऊपर। स्टेनो से रिलेटेड तो बहुत ही कम काम मिलता है आपको, बाकी ऑफिस के जो रेगुलर काम होते हैं, जो और CGL से आए जो लोग कर रहे होते हैं, वो काम आपको धीरे धीरे मिलने लगता है, ठीक है। जो भी काम आपको आता है, वर्कलोड इसमें नहीं होता है। डिक्टेशंस वगैरह इतनी आपको नहीं लेनी पड़ती, महीने महीने निकल जाएंगे, डिक्टेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी पड़ेगी। एक नॉर्मल वर्क है जो आप आराम से खुशी खुशी कर सकते हैं, ठीक है। सैटरडे और संडे की 2 दिन की अपनी छुट्टी रहती है, दिन में 5-6-7 घंटे अपना काम करो और बढ़िया आपको छुट्टियाँ वगैरह बढ़िया से छुट्टी मिलती हैं। बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट वर्क का। फिर बात आती है अपनी प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन रेट में इसमें स्टेनो में ना 2 चीज़ें हैं CBDT में। एक तो होती है स्टेनो लाइन, अगर आप एग्ज़ाम वगैरह क्लियर नहीं करते हैं तो 4 से 5 साल के अंदर आपको PS पर्सनल सेक्रेटरी या सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी आप इस लाइन में चले जाते हो। इस लाइन में आपकी बच जाएगी बैंड बढ़िया वाली, भाई लाइन बहुत अच्छी है। आप बहुत बड़े बड़े कमिश्नर वगैरह इन सब के PA बनोगे, PS PA पर्सनल सेक्रेटरी ये बनोगे, आपकी पहुंच भी होगी, लोग आपको जानेंगे, आपके डायरेक्ट लिंक होंगे, आपको पर्सनल रूम भी मिलेगा और एक टाइप से आप कमिश्नर के बिहाफ पे बात कर रहे होगे जहां भी बात करोगे। बट इसमें ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है भाई, लोगों पूरी पूरी साल निकल जाती है, उनको एक एक दो दो छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। क्यों भाई, जितनी देर तक ऑफिसर आपका बैठा रहेगा ना, उतनी देर तक आपको वहाँ पर बैठा रहना ही पड़ेगा, उसके
आने से पहले आपको आना पड़ेगा, और जब वो चला जाएगा ना, चाहे जितना भी लेट जाए उसके बाद ही आप जा पाओगे। सो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, और छुट्टी मारने का तो मतलब ही नहीं होता, बिकॉज आप उसके पर्सनल सेक्रेटरी हो, आपके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। तो आप छुट्टी मारने का आपका बहुत ही ख़राब सीन हो जाएगा, और इसमें थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। दूसरा आपके पास एक ऑप्शन रहता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, इंस्पेक्टर वाली लाइन। आप जैसे ही लगते हो आप इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम होगा, बहुत इतना कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, जो एग्ज़ाम पास करके यहाँ तक पहुँचे वो इसको ईजिली कर लेते हैं। आप एग्ज़ाम पास कीजिए, ये डिपेंड करता है 3 से 5 साल के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ 3 से 5 साल के अंदर, जैसे ही आपकी सीनियरिटी आपको भी आपका नंबर आएगा, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो CGL से लगते हैं, आप डायरेक्ट स्टेनो डी ग्रेड से इंस्पेक्टर बन सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है, आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है इसमें आके, जो कि बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो इसमें। सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही रिस्पेक्टेड सी चीज़ है। देखिए जाए लाइफस्टाइल का मैंने बता दिया आपको, वर्कलोड का मैंने बता दिया, उसी को आप लाइफस्टाइल मान लो। आपको पैसा कितना मिल रहा है वो बता दिया, आप क्या काम करना पड़ रहा है, और अगले 10 साल तक, 5 साल के बाद आपका क्या होने वाला है। अच्छी खासी सैलरी हो जाती है इंस्पेक्टर की, 4600 वगैरह पे ग्रेड हो जाएगी आपकी, 80-90 हज़ार आपको मिलने लग जाएंगे 4-5 साल में। सो लाइफस्टाइल का आप खुद आइडिया लगा लो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज हम ऐसी ऐसी बहुत सारी जेन्युइन कंटेंट स्टेनो फील्ड से रिलेटेड बार बार डालते रहते हैं, और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फ़ायदे की डील है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाओगे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। सो अभी अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई अच्छी सी वीडियो आती है स्टेनो से रिलेटेड। इसमें नुकसान की एक चीज़ और है, नुकसान एक तो मैंने वर्कलोड का थोड़ा बता दिया, PS वगैरह इन लाइन में, दूसरा एक ट्रांसफ़र का चक्कर है, इनमें ना ट्रांसफ़र बंद हो रखे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र का थोड़ा पंगा है। अगर आपकी आउटसाइड कहीं पोस्टिंग वगैरह आ जाती है तो ट्रांसफ़र हो रखे हैं इसमें बिल्कुल बंद, ट्रांसफ़र होते ही नहीं है लोगों के। लड़कियों का बहुत इशू आ सकता है इसमें, उनके स्पाउस ग्राउंड वगैरह जो होते हैं अभी, जिनकी मान लो शादी हो रखी है, वो लड़की यहाँ पे है, लड़का कहीं और पे है, तो उनको बहुत इशू आ सकता है, क्योंकि स्पाउस ग्राउंड पे भी बंद है, हर तरीके से ट्रांसफ़र बंद है। इनको बस ऐसे लोन बेसिस बोलते हैं, 2-3 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए, पूरे लाइफ टाइम में 1 या 2 बार भेजा जाता है। सो अभी इन पे केस वगैरह चल रहा है, बट फिलहाल के लिए ट्रांसफ़र हैं वो बिल्कुल बंद हैं। तो ये चीज़ आप अपने पहले से सोच के चलें, अगर आपकी आपके होम स्टेट से बाहर आ रही है तो आपको इस प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो ये चीज़ आप पहले से दिमाग में रखना, ट्रांसफ़र इस डिपार्टमेंट में बंद हो रखे हैं, ठीक है। सो जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और जो भी पॉसिबल हो सकता था। सो अब आपको देखना है कि आपके लिए डिपार्टमेंट कैसा है भाई, सभी की अपनी अपनी वो होती हैं, किसी को होम स्टेट देखना है, कोई सैलरी देखेगा, किसी को एक इस फील्ड, इस डिपार्टमेंट का नाम इतना अच्छा है कि आप किसी को बताते हो तो बहुत ही मतलब सही लगता है सुनने में, तो बहुत लोग CBDT इसलिए भी पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छी इसमें सैलरी है, प्रमोशन वगैरह की रेट भी अच्छी है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है आपको 3-4 साल के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है, और भी डिपार्टमेंट्स वगैरह की मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। प्रीफ्रेंस फॉर्म आएगा, वो कैसे भरना है, कौन से डिपार्टमेंट्स को किस किस कितने नंबरों वालों को क्या भरना चाहिए, और एवरी डिटेल मैं चैनल पे टाइम टू टाइम डालता रहूँगा। सो हर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड 2023 की मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 2023 के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसकी भी जो प्लानिंग होएगी, GK कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे करनी है, उन सभी की वीडियोस और उनसे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस 2023 के रिटन एग्ज़ाम की इस चैनल पे आएंगी, जो आपको एक अच्छा स्कोर करने में, 2023 में एक पोस्ट सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।